हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो को समस्त युक्त दुई द्वितीय वर्ष कला छात्र छात्री जो मानकर राजनीति विज्ञान अच्छी स्वागत। आज वीडियो आम प्लस टू द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान भारत रे संघीय व्यवस्था बा फेडरलिज्म इन इंडिया विषय केते गुड़े दुनविष्ट प्रश्न आलोचना करवा। जेपरिक आपण मैंने जानते आगामी CHSE एग्जाम 2021 रे दुनविष्ट प्रश्न 15 आसव। 15 प्रश्न जेकोसी 9 प्रश्न उत्तर देवाक हम। प्रति प्रश्न दुई नंबर 2×9=18 नंबर। ओके, ताले दुनविष्ट प्रश्न बहुत गुरुत्व रही। आपण मैंने अधिक दुनविष्ट प्रश्न प्रस्तुत हूँ। ओके, ताले आज वीडियो को आरंभ करवा। आज एक नंबर प्रश्नटी होची ऐकिक राष्ट्र कौन। ऐकिक राष्ट्र कौन बा ऐकिक राष्ट्र क्या कह जाए। जो राष्ट्र रे समस्त शासन क्षमता को संविधान केन्द्र सरकार ठारे केन्द्रीभूत करिथाए ऐकिक राष्ट्र कह जाए। जो राष्ट्र रे समस्त शासन क्षमता को संविधान केन्द्र सरकार ठारे केन्द्रीभूत करिथाए शासन क्षमता को संविधान केन्द्र सरकार केन्द्रीभूत करिथाए ताहाकु ऐकिक राष्ट्र कह जाए। गोटे राष्ट्र गोटे सरकार एक प्रकार आईन और एकक नागरिकता आदि ऐकिक राष्ट्र लक्षण मान कौन देखिले आम गोटे राष्ट्र गोटे सरकार एक प्रकार आईन गोटे राष्ट्र गोटे सरकार एक प्रकार आईन और एकक नागरिकता आदि ऐकिक राष्ट्र लक्षण मान। इंग्लैंड और फ्रांस ऐकिक राष्ट्र अटंती। इंग्लैंड और फ्रांस ऐकिक राष्ट्र अटंती। ओके, दुई नंबर प्रश्न संघीय राष्ट्र क्या कहती। संघीय राष्ट्र क्या कहती। जो राष्ट्र रे एक लिखित संविधान द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार मध्य शासन क्षमता को बंटन करा जाय थाय। जो राष्ट्र रे एक लिखित संविधान द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार मध्य शासन क्षमता को बंटन करा जाय थाय एवं बंटन को एक स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय द्वारा सुरक्षित करा जाय थाय। केन्द्र और राज्य सरकार मध्य शासन क्षमता को बंटन करा जाय थाय एवं बंटन को एक स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय द्वारा सुरक्षित करा जाय थाय ताकू संघीय राष्ट्र कह जाए। क्षमतार बंटन द्वैत सरकार लिखित नमनीय संविधान स्वाधीन न्यायपालिका संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य। क्षमतार बंटन द्वैत सरकार लिखित और नमनीय संविधान स्वाधीन न्यायपालिका संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य। तीन नंबर देखिबा संघराष्ट्र कौन। संघराष्ट्र कौन जेतेबेले केतेक सार्वभौम राष्ट्र निजर सार्वभौमत्व को अक्षुण्ण रखि सामाजिक और आर्थिक उन्नति पाई गोटे सरकार गठन कर शासित होती ताहाको संघराष्ट्र कह जाए। जेतेबेले केतेक सार्वभौम राष्ट्र निजर सार्वभौमत्व को अक्षुण्ण रखी सामाजिक और आर्थिक उन्नति पाई गोटे सरकार गठन कर शासित होती ताहाको संघराष्ट्र कह जाए। अन्य अर्थरे संघराष्ट्र होची सार्वभौम राष्ट्र मानकर एक ढिला संगठन। अन्य अर्थरे संघराष्ट्र होची सार्वभौम राष्ट्र मानकर एक ढिला संगठन। चारि नंबर प्रश्न केन्द्राभिमुखी राष्ट्र संघ कौन। केन्द्राभिमुखी राष्ट्र संघ कौन जेतेबेले केतेक क्षुद्र क्षुद्र राष्ट्र मिलित होई एक राष्ट्र संघ प्रतिष्ठा करिथांती। जेतेबेले केतेक क्षुद्र क्षुद्र राष्ट्र मिलित होई एक राष्ट्र संघ प्रतिष्ठा करिथांती ताहाकु
केन्द्राभिमुखी राष्ट्रसंघ कहुए युक्तराष्ट्र आमेरिका स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया यार उदाहरण जेतेबेले केतेक क्षुद्र क्षुद्र राष्ट्र मिलित होई एक राष्ट्रसंघ प्रतिष्ठा करिथांती ताहाकु केन्द्राभिमुखी राष्ट्रसंघ कहुए युक्तराष्ट्र आमेरिका स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया यार उदाहरण। पांच नंबर प्रश्न, केन्द्र अपसारी राष्ट्रसंघ कौन किंबा विकेन्द्रीमुखी राष्ट्रसंघ कौन। गोटे प्रश्न, केन्द्र अपसारी राष्ट्रसंघ कौन बा अन्य प्रकार आउ गोटे प्रश्न हो पारे विकेन्द्रीमुखी राष्ट्रसंघ कौन। जेतेबेले एक बृहत राष्ट्र शासनगत सुविधा दृष्टि राज्य बा प्रादेशिक सरकार गठन करी शासन क्षमता को बंटन करी एक राष्ट्रसंघ रे परिणत होइथांती ताहाकु विकेन्द्रीमुखी बा केन्द्र अपसारी राष्ट्रसंघ कहा जाए। जेतेबेले एक बृहत राष्ट्र शासनगत सुविधा दृष्टि राज्य बा प्रादेशिक सरकार गठन करी शासन क्षमता को बंटन करी एक राष्ट्रसंघ रे परिणत होइथांती ताहाकु विकेन्द्रीमुखी बा केन्द्र अपसारी राष्ट्रसंघ कहा जाए। भारत और कानाडा यार उदाहरण, भारत और कानाडा केन्द्र अपसारी राष्ट्रसंघ अटंती। ओके, छ नंबर प्रश्न, केन्द्र तालिका कौन। भारतीय संघीय व्यवस्था केन्द्र और राज्य सरकार मध्यरे तीनोटी तालिका शासन क्षमता बंटन करा जाइछि जेउथिरु केन्द्र तालिका अन्यतम। भारतीय संघीय व्यवस्था केन्द्र और राज्य सरकार मध्यरे तीनोटी तालिका शासन क्षमता बंटन करा जाइछि जेउथिरु केन्द्र तालिका अन्यतम। एही तालिका रे थिबा गुरुत्वपूर्ण 100टी विषय रे संसद आईन प्रणयन करिथाय। एही तालिका रे थिबा गुरुत्वपूर्ण 100टी विषय रे संसद आईन प्रणयन करिथाय। सात नंबर, राज्य तालिका कौन। राज्य तालिका कौन, भारत रे संविधान रो सप्तम अनुसूची रे एकसठीटी विषय को राज्य तालिका अंतर्भुक्त करा जाइछि। केतोटी, एकसठीटी विषय को राज्य तालिका अंतर्भुक्त करा जाइछि जहाँ उपरे राज्य विधानमंडल आईन प्रणयन करिथाय। भारत रे संविधान रो सप्तम अनुसूची रे एकसठीटी विषय को राज्य तालिका अंतर्भुक्त करा जाइछि जहाँ उपरे राज्य विधानमंडल आईन प्रणयन करिथाय। केतेक स्वतंत्र परिस्थिति रे मध्य संसद एही तालिका अंतर्भुक्त विषय उपर आईन प्रणयन करिथाय। केतेक स्वतंत्र परिस्थिति रे मध्य संसद एही तालिका अंतर्भुक्त विषय उपर आईन प्रणयन करिथाय। आठ नंबर प्रश्न, युग्म तालिका बा मिलित तालिका कौन। भारत संविधान रो सप्तम अनुसूची रे वर्णित युग्म तालिका अंतर्भुक्त 52टी विषय रे उभय संसद और राज्य विधानमंडल आईन प्रणयन करिथाय। भारत संविधान रो सप्तम अनुसूची रे वर्णित युग्म तालिका अंतर्भुक्त 52टी विषय रे उभय संसद और राज्य विधानमंडल आईन प्रणयन करिथांती। जदि एथिपई केन्द्र राज्य मध्यरे विवाद देखा जाए तेबे केन्द्र आईन बलवत्तर रहिथाय। जदि एथिपई केन्द्र राज्य मध्ये विवाद देखा दिए तेबे केन्द्र आईन बलवत्तर रहिथाय। नौ नंबर प्रश्न, बड़का क्षमता बा अवशिष्ट क्षमता कौन। भारत संविधान रो सप्तम अनुसूची रे वर्णित केन्द्र तालिका राज्य तालिका और युग्म तालिका अंतर्भुक्त होइ नथिबा विषय को बड़का क्षमता बा अवशिष्ट क्षमता कहा जाए। भारत संविधान रो सप्तम अनुसूची रे वर्णित केन्द्र तालिका राज्य तालिका और युग्म तालिका अंतर्भुक्त होइ नथिबा विषय को बड़का क्षमता बा अवशिष्ट क्षमता कहा जाए। संविधान रो 248 धारा अनुसार केन्द्र सरकार बा संसद
ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନର 248 ଧାରା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ସଂସଦ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ? ଭାରତର ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 28 ରାଜ୍ୟ ଓ 9 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 28 ରାଜ୍ୟ ଓ 9 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପୁଡ଼ୁଚେରୀକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାନସଭା ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପୁଡ଼ୁଚେରୀ ବା ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାନସଭା ନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଜଣେ ଜଣେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହି ନୂତନ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 28 ରାଜ୍ୟ ଆଉ 9 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଲଦାଖ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟାରୁ ବାଦ ଦେଇ 2 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ 7 ବଦଳରେ 9 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା, 29-28 ହେଇଗଲା। ଓକେ, 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ଶାସନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର 280 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ଶାସନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର 280 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରି ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ 5 ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରି ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ 5 ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ସମ୍ବିଧାନର 263 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ନୋଟ୍ସ ପାଇବେ, ପାଠ ପାଇବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ମାର୍କ୍ସ ରଖିବେ। ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁଠୁ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଠି ବି ଥାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।